नहीं थे, हम दूसरों के लिए कपड़े तो बुनते थे, हमारे पास नहीं थे, लेकिन हम आंधी के साथ थे। इसे जन के आजादी में सबसे अहम रोल हमारा था और इस अहम रोल के लिए आज टू नेशन जब थ्योरी जिना ने लाई के अब हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू दो नेशन है, वो एक मुल्क के अंदर नहीं रह सकते। तो सबसे पहले जिना की इस थ्योरी को किसी ने रिजेक्ट किया तो मोमिन कौन सा रिजेक्ट किया और उसने फैसला किया कि हम जिना के साथ नहीं है, हम गांधी के साथ हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। और जब क्रिस्ट आए और जिना ने यह दावा किया कि मुसलमानों की पूरी आबादी हमारे साथ है, हम ही वाहिद रिप्रेजेंटेटिव है मुसलमानों के हिंदुस्तान में, तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं, ये बात गलत है। हिंदुस्तान के बड़े उलमाओं की एक जमात है जिसका अलमदार मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे, सरहदी गांधी थे, जो मुस्लिम लीग के खिलाफ जंग में शामिल थे और कांग्रेस के साथ शामिल थे। देखिए, नेशनल मोमिन कॉन्फ्रेंस का आज इसलिए यहाँ पटना में कॉन्फ्रेंस हुई कि पहले दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी और हमने तय किया था हम लोगों ने कि पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर इसको हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ओबीसी कम्युनिटी जो मुसलमानों की है, ख़ास तौर पे अंसारी, वो बहुत ही पिछड़ गई है, पॉलिटिकल भी, एजुकेशनल भी और इकतसादी हालत भी लेकर। जो मोमिन कॉन्फ्रेंस काम कर रही थी उसने अपना काम करना बंद कर दिया, इसलिए आज वक्त की ज़रूरत है कि हमको जब तक के सियासी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, जब तक कोई कम्युनिटी डेमोक्रेसी में आगे नहीं बढ़ सकती है, तो हमारे जंग का ऐलान है कि हम सियासी हिस्सेदारी जिनको देना है उनके साथ हम खड़े हैं, जो हमें हिस्सेदारी नहीं देंगे हम उनके खिलाफ।